ऑफ कोर्स गाती तो हमेशा से है, लेकिन काफ़ी वक्त हो गया है कि अक्षय ने अपनी ये हॉबी को बिल्कुल भी पॉलिश नहीं किया है। और आज जब किसी बहाने में उन्हें पार्क लेकर जाता हूँ तो मैं यही चाह रहा था कि वो प्रैक्टिस करती, लेकिन वहाँ पे कोई और कुछ ग्रुप होता है जहाँ पे एक फ़ीमेल गाने लगती हैं लेकिन उनसे गाया नहीं जाता है, नक्शा स्टार्ट सिंगिंग। तो एक बहुत ही प्राउड मोमेंट फील होता है मुझे, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी। सब लोग उन्हें देख रहे थे और रुक गए जब वो गा रही थी। सो वहाँ पे वन थिंग लेड टू अनदर, तो किसी ने कहा कि क्यों नहीं आप इस कॉम्पिटिशन में भाग लेते जो उदयपुर में हो रहा है। तो बस उसी को लेकर अब मैं थोड़ा थॉटफुल हूँ कि क्या हमें ऐसा कुछ करना चाहिए आगे के, जब आप सीन देखेंगे। इसी को सोचकर मैं भी उन्हें ये कहता हूँ कि यू नो उन्हें कंपटीशन में भाग लेना चाहिए, अच्छा ही होगा, बिकॉज इसके लिए मतलब उन्हें स्ट्रगल भी नहीं करनी पड़ेगी, एक अलग चेंज हो जाएगा उनके लिए। और तानपुरा लेकर जो वो गाती थी, वो एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए उन्हें आँखों की रोशनी की ज़रूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो उनके जहन में है, मन में है। तो आई थिंक दिस विल जस्ट रिलीज सम स्ट्रेस एंड उन्हें भी अच्छा फील होगा। अब ऑफकोर्स अब अक्षरा का साथ तो मैं दूंगा ही, चाहे कुछ भी हो। एंड जब ज़्यादा केयर कर रहा था तब उसके बाद रियलाइज़ किया कि हम कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा केयर कर रहे हैं, तो थोड़ी सी ढील भी दी। अब खुद उनको करने दे रहे हैं जो जो वो करना चाहती हैं, एंड लेफ्ट आउट भी नहीं फील करा रहे, तो घर के काम भी कर लेती हैं, ज़बरदस्ती वर्क करने की कोशिश भी कर रही, कुछ काम लेने की कोशिश कर रही। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर हॉबी वो पिकअप कर लें, थोड़ा सा टाइम तानपुरा के साथ बिताएँ या गा लें, तो शायद अच्छा हो जाएगा उनके लिए।